देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी तबाही मचा रही है। तबाही ऐसी कि हर तरफ मौतें ही मौतें। लोग परेशान हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं अस्पताल के बेड कम पड़ जा रहे हैं, कहीं शमशानों में लाइन लगाकर चिताएं जलाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। इसके बाद से इन बातों के कयास लगने लगे हैं कि वापस से देश में लॉकडाउन लग सकता है। तो आज बात इसी खबर पर होगी कि क्या वाकई में देश में लॉकडाउन लग सकता है और इसको लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। देश में जिस तरह से हालात बन रहे हैं उनको देखते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या वाकई में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो इस पर गंभीरता से सोचें और इसको इंप्लीमेंट करें। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जो सुपर स्प्रेडर्स इवेंट हैं उनको रोकने के लिए केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें सख्त सख्त नियम बनाएं और उन्हें प्रतिबंध करने पर विचार करें। कोर्ट के मुताबिक विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए ऐसे में खास इंतजाम सरकारें करें। इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को दिल्ली को 3 मई की आधी रात से पहले ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करनी होगी या फिर वो उससे पहले भी कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देश में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ रही है उसको देखते हुए सरकार को एक बफर स्टॉक तैयार करना चाहिए जो कि आपातकाल के समय में इस्तेमाल में आएगा और खासकर से इस बफर स्टॉक को हर 4 दिन पर आपको मेंटेन करना होगा, यानी कि जो भी इस्तेमाल होगा यहां से ऑक्सीजन आपको उसको हर 4 दिन पर मेंटेन करना है ताकि कहीं भी ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान न जाए। कोर्ट ने साफ किया है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया ऑक्सीजन का यह बफर स्टॉक राज्यों को आवंटित ऑक्सीजन के कोटे से अलग होगा। वहीं कोरोना के मरीजों को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में 2 सप्ताह के भीतर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करे। सभी राज्य सरकारें उस नीति का पालन करेंगी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस बारे में राष्ट्रीय नीति नहीं बनाती तब तक किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी मरीज को स्थानीय निवास या पहचान पत्र के अभाव में अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार किए गए उपायों और प्रोटोकॉल की समीक्षा करे। इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन की उपलब्धता और कीमत, जरूरी दवाओं का वहन योग्य कीमत भी शामिल है। कोर्ट ने आदेश में उठाए गए दूसरे मुद्दों पर भी केंद्र से अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा मामले देश में दर्ज किए गए हैं और करीब 3,000 से अधिक लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में 3,68,147 नए मामले दर्ज किए गए हैं जबकि 3,417 लोगों की जान गई है। राहत की खबर यह है कि इस जानलेवा वायरस से मरीज भी लगातार ठीक हो रहे हैं और तकरीबन 24 घंटों में 3,732 मरीज जो हैं वो ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना अपना पैर पसार रहा है एक बात तो साफ है कि आने वाले दिनों में या फिर बहुत जल्द लॉकडाउन लग सकता है।